प्यासों की सरगम ला पिताजी की। क्या लिखे हैं? पिताजी रिटायर हो गए हैं। स्कूल की तरफ से मिला हुआ मकान छोड़ना पड़ रहा है। वहां कोई जमीन जायदाद तो है नहीं। माँ जी चाहती हैं हम सब इकट्ठे रहें, हमारी राय पूछती हैं। तो इसमें सोचने की क्या बात है? इतने बड़े शहर में इतने लोगों का खर्चा। वो फिक्र तुम मत करो, उनको आने के लिए लिख दो। आइए पिताजी, आइए। भाभी, भाभी, कहाँ है बहू? अरे नमस्ते बहू। हाँ। दीपू। अरे सामान आ गया सब। हाँ अंदर आओ। लाओ लाओ। अरे मेरे बेटे जी, 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 जी। कैसा है तू? आइए आइए। ये तेरी साइकिल है क्या? अंदर ले जाओ। चलो चलो। बड़ा हो गया कितना? हाँ, बड़ा हो गया। आ, वो रसोई में रास्ते में कोई तकलीफ ना ना, यूं ही वैसे ही बैठे बैठे कवर कर दी। अरे वो मेरी गुड़गुड़ी का रखी है। माँ थैली में पड़ी है। क्या वो जरा गुड़गुड़ी ताजा कर रहा है? देख देख माँ तेरे लिए क्या लाई है। बड़ा हो गया। देखो ये टोकरा रसोई घर में रख दो। मकान तो अच्छा मिल गया। मकान तो अच्छा है पिताजी, लेकिन मालिक मकान खाली कराने के चक्कर में। वो क्यों? बस यही तो चल रहा है आजकल मुंबई में। छोटे घर तोड़ के बिल्डिंग आ रही है। ना ना ना, खाली नहीं करना। ओ भाई शेखर, शेखर। अरे उमर, यहाँ कैसे आया? भाई तो मामू के पास आया था। अच्छा। सोचा दोनों साथ ऑफिस चलेंगे। अच्छा, ये सामान कोई मेहमान आए हैं क्या? पिताजी आए हैं यार, वाली साहब तशरीफ लाए। चलिए भाई, चलो चलो हमारी मुलाकात कराइए। चलिए पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं उमर अली। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं भी आता हूँ। शेखर के साथ ही काम करते हो? जी हाँ, एक ही कंपनी में एक दूसरे को कंपनी देते रहते हैं। कैसा चल रहा है? ये पूछ के तो आपने मुझे आफत में डाल दिया। क्यों? अर्ज किया है, जिंदगी एक बहुत बड़ी आफत है। शुक्र है खुदा का, बंदे का सर सलामत है। बड़े हसमुख हो। जी इनायत है। लीजिए। नमस्ते, कैसे हैं? बस ही। पिताजी आप थोड़ी देर में नहा लीजिए, यहाँ पानी जल्दी चला जाता है। कमाल।